6 to 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं। भोजपुरी सिने इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री संगीता तिवारी को भारत आइकन अवार्ड 2018 में बेस्ट भोजपुरी एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। रॉयल हेरिटेज ग्रुप द्वारा मुंबई के इश्कॉन ऑडिटोरियम में आयोजित इस अवार्ड से नवाजा गया है। बेस्ट भोजपुरी एक्ट्रेस का अवार्ड मिलने के बाद संगीता ने खुशी जाहिर करते हुए इस अवार्ड के आयोजक और अपने फैंस का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत आइकन अवार्ड ने मुझे जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। ये अवार्ड पाकर मैं आज खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। संगीता ने कहा कि जब आपकी मेहनत को सम्मान मिलता है तो आप पर उससे बेहतर करने की प्रेरणा भी मिलती है, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। भारत आइकन अवार्ड 2018 के बाद ने मुझे और अच्छा करने के लिए उत्साहित कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे अपने काम पर और अपने फैंस पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं उनके भरोसे को तोड़ने का कभी सोच नहीं सकती। ये अवार्ड भी मेरे फैंस और भोजपुरी दर्शकों की वजह से मुझे मिला है। संगीता ने अपने पेरेंट्स को याद करते हुए कहा कि मैं अपने माता पिता का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि आज मैं जो कुछ हूँ उनके प्यार और सपोर्ट की वजह से हूँ। बता दें कि संगीता की अपकमिंग भोजपुरी फिल्म सुपरस्टार राधे रंगीला बनकर तैयार है, जिसमें उनके अपोजिट राकेश मिश्रा हैं। एक्शन पैक्ड फिल्म के निर्माता रामकरण गौर, राधे श्याम गौर, सह निर्माता अरुण कुमार दुबे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया की रिपोर्ट।